ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, पैर टूटा हुआ है इसका, और एसडीओ और इसकी बात कर रहे हो तुम, हैं? भगवान हो गए आप लोग, वन विभाग के लोग भगवान हो गए, किसी को ही मारेंगे गरीब को। अरे भाई मैं कह रहा हूं वो नहीं सुन रहे हो आप, आपका एसडीओ ठीक बता रहा है, इसकी जांच कराइए इमीडिएट, मैं कह रहा हूं आपसे, नहीं तो मैं मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं। और ये एसडीओ कौन है, इनको ठीक कर देंगे, कौन है जिन्होंने किया है, ये कोई तरीका होता है क्या है? भाई गरीब लोग हैं बेचारे, उनको मार रहे हैं, आप बताइए ना क्या बात है, कानूनी कार्रवाई क्या है, मारने का किसने अधिकार दिया है भाई, उसका पैर टूटा है बेचारे का, गरीब का देखिए पड़ा हुआ है यहाँ पर। इनका इनका पूरा डिटेल बताओ, और ये कौन ने किया है, कौन लोग बात, बड़े से आए हैं, हम गए थे काम करने तो वहाँ 10 बजे के लगभग पुलिस होता रहे आई और फॉरेस्ट गार्ड, तो हमको रगड़ने लगा मारने लगा, और कुल्हारी लिए थे बका लिए थे, वो काटने फोड़ने लगा, मोटर सेक्शन डिलीवरी मोटर ले गए। हाँ ऐसे कितने लोगों के साथ में मारपीट की है? मारपीट ऐसे हो गया है 4-6 लोगों के ज्यादा, और दो तीन और कुछ तो भाग दिन है, लबधा बधा मारा के पीछे भागा, खदान खदान खोदते थे, ककड़ू मचाते थे, वो निकलती है वहाँ नदी में। पटना जिले में रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं है तो ही रोज, और हमको पंचायत काम नहीं मिलता है, वैसा पंचायत का काम मिला तो हम वहाँ जा ही नहीं सकते। हाँ इसीलिए लगातार पलायन करते हो? बस जी सर। कहाँ जाते हो काम करने? बस पत्ता लिया। अच्छा जी बताओ, हीरा खदान में काम करते हो आप लोग, पंचायत में इतने काम खोलते हैं तो क्यों नहीं पंचायत में काम करते हो? साहब सबको काम नहीं मिलता है, अब 5-6-7-8 आदमी लगाए पंचायत में, तो समय से पैसा ना मिलो, हम गरीब आदमी कहाँ हम इतना रुक सकते हैं। हम पंचायत में आपके अकाउंट में पैसा आता होगा फिर कौन निकाल लेता है? अकाउंट में साहब कितना आवा थे, 4-6 लड़का बच्चे या 2 हम कहाँ लो हमको जाए खर्चा। इसीलिए खदान में काम करते हो? जी सर। कौन सी खदानों में? ककड़ू वाली हीरा खदान। तो वहाँ से गुजारा हो जाता है? हो जाता है सर। साथ परिवार करते होंगे? जी सर। ऐसे कितने लोग आज यहाँ पर आए हैं साहब? यहाँ पर आए हैं जाना 50 आदमी। तो सभी लोगों को सामान वगैरह भी छुड़ा लिए? सब छुड़ा लिए, मारपीट भी की। हाँ ये हमारे आदिवासी जो भाई बंधु है ये लोग बृहस्पति कुंड में खदान लगाए हुए हैं, जो तो वहाँ पे कल फॉरेस्ट की टीम आके इनको छापामारी में इनके साथ मारपीट किया है, और जो भी सामान थे वहाँ पे सब सामान भी छुड़ा के ले गए हैं, तो इसलिए आज हम लोग सभी लोगों को लेके एसपी साहब के पास आए हुए हैं। कि आदिवासी लोग हैं अपने खदान लगाते हैं और ठीक खदानी लगाते हैं, इससे उनका पालन पोषण होता है, तो क्या आप फॉरेस्ट में तकलीफ कर रही है? हमारे क्षेत्र में इसके अलावा कोई भी और काम ऐसा नहीं है कि जिससे इन लोग अपना पेट भर सके, और अगर वहाँ पे काम बंद हो जाएगा तो इन लोगों को अपने क्षेत्र को छोड़ के यहाँ से पलायन करना पड़ेगा, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी दुखद घटना होगी कि उनको अपने क्षेत्र छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा रोजगार। किसकी शिकायत कर रहे हो, क्या है? हम लोग आज एसपी ऑफिस में आए हुए, एसपी साहब से हम लोगों ने शिकायत किया है, जो बरौंदा थाना की पुलिस है और सतना जिला की फॉरेस्ट है, उनके खिलाफ हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। कुछ घायल भी हुए? जी जी जी, कुछ लोग घायल भी हुए जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। क्या आश्वासन दिया? यही आश्वासन दिया है कि, और हम लोग यही चाहते हैं कि इनके खिलाफ जो भी FIR किया जाए, और इन लोगों का पेट ना मार सके, इस वजह से इन लोगों का काम ना रोका जाए और काम चलता रहे इन लोगों का, ताकि इन लोगों को बाहर ना जाना पड़े, यही पर रोजगार इनको मिलता रहे। जो बृहस्पति कुंड है उसके नीचे का जो एरिया है वहाँ पर अवैध खनन की कार्रवाई चल रही थी, जिसके चलते जो है वहाँ पे फॉरेस्ट और जो सतना पुलिस है उसके द्वारा कार्रवाई की गई। इसमें कुछ लोगों का कहना है कि उनको चोटें लगी हैं, तो इस प्रकार का एक आवेदन उन्होंने मुझे सौंपा है, तो उसको मैंने एक बार SDOP अजयगढ़ को जांच के लिए दिया है, और उसमें ज्यूरिसडिक्शन जो भी डिसाइड होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया? मेरे ख्याल से जो घायल है वो खुद ही अस्पताल में भर्ती हुए हैं, और उनका शायद MLC ही बन रहा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।